रेरा रेरा रेरा, हमें दिखाया गया था एक टाइगर आया है, उसको तो कोई नहीं डर रहा है। मेरे हस्बैंड अपने पूरे जितने लाइफ मैंने जितनी भी उनकी इनकम थी, पूरा पैसा हमने बड़े कष्ट से जुटा के, मैंने अपने शादी का गोल्ड बेच के इस तरह से मैंने ये पूरा पैसा दे दिया। आप समझ सकते हैं कि मैं किस पेन से गुजर रही हूँ। मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड चले गए हैं। मैं नहीं बता सकती हूँ मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। थर्ड में मेरे हस्बैंड के 3 साल पूरा हो जाएगा, तब से लेकर अब तक मैं मेंटल स्ट्रेस से जा रही हूँ। मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है कहीं से, और मैं किसी से कोई चैरिटी नहीं मांग रही, मैं तो अपना अधिकार मांग रही हूँ। की जुलाई में घर बुक किया था सुपरटेक स्पोर्ट्स विलेज में। 2019 की एंड में मुझे कहा गया था घर बन जाएगा। 20 के एंड तक वहां पे एक ब्रिक भी नहीं रखा गया था। घर बुक कराने के टाइम में आपको कहा जाएगा कि रेरा अप्रूवल किया हुआ प्रॉपर्टी है, तो योर मनी इज सेव, आपके पैसे बिल्कुल सेव है। इसके बाद जब आप पूरा लूट गए, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो गया, तब आपको कहा जाएगा कि हम तो पैसे वापस करते नहीं हैं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा फिर क्या उपाय है। उन्होंने कहा हम इतना कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी को यूनिट को शिफ्ट करा देंगे, जिसमें मैंने अगेन 10% दे के स्पोर्ट्स विलेज से इको विलेज 2 में मेरी प्रॉपर्टी शिफ्ट हो गई। उनका एक स्कीम था, उन्होंने हमसे कहा था कि आप निश्चिंत होकर लीजिए, 2 साल में आपके घर बन जाएंगे और 2 साल को आपको रहने के लिए हम रेंटल एकोमोडेशन देंगे। आपको एक उम्मीद की किरण लगती है, कोर्ट बता देता है यही लास्ट पीरियड है, वो लास्ट पीरियड करते करते भी 2 साल से अधिक हो गया। मेरे हस्बैंड अपने पूरे जितने लाइफ मैंने जितनी भी उनकी इनकम थी, पूरा पैसा हमने बड़े कष्ट से जुटा के, मैंने अपने शादी का गोल्ड बेच के, कुछ पर्सनल लोन लेके अपने रिश्तेदारों में ही, इस तरह से मैंने ये पूरा पैसा दे दिया। इंसॉल्वेंसी का जो टोटल प्रोसेस चल रहा है, इसमें होम बायर को गिनी पिग की तरह काटा जा रहा है। आज तक उस टावर में I1, I2, J1, J2, H4, K1, ये 6 टावर के जो होम बायर है, उनके लिए उनके पास कोई रिजोल्यूशन नहीं है। हस्बैंड को कोविड हुआ था, बिना ऑक्सीजन के छटपटा के मेरे हाथ में वो दम तोड़ दिए। उसके बाद मेरा बुरा हाल था, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं कभी भी कोई जॉब नहीं करी थी, मैं एक होम मेकर हूँ। तो जो भी जितना भी इंश्योरेंस था, ये था वो था, मेरे भाई है, मेरे ननद है, पूरा फैमिली है, सब मुझे बोले कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम साथ हैं आपके, आप घबराओ नहीं। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, और मेरा खिलता परिवार खराब हो गया था। थर्ड में मेरे हस्बैंड के 3 साल पूरा हो जाएगा, तब से लेकर अब तक मैं मेंटल स्ट्रेस से जा रही हूँ। मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है कहीं से, और मैं किसी से कोई चैरिटी नहीं मांग रही, मैं तो अपना अधिकार मांग रही हूँ। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। 10 साल ये गवर्नमेंट आया है, वो किसी हाल पे दूसरे गवर्नमेंट पे बिल फाड़ के नहीं अपना हाथ धो सकते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। उन्होंने किया क्या है, क्या किया है वो बता दे। अगर कुछ किए होते तो हम क्यों आज इस दशा में हैं? एक मुट्ठी भर बिल्डर का इतना हिम्मत कहां से हो जाता है कि वो इस तरह से लूट मचा के रखा है, और इस चीज में कोई कुछ नहीं बोलेगा। रेरा रेरा रेरा, हमें दिखाया गया था एक टाइगर आया है, उसको तो कोई नहीं डर रहा है। रेरा दिखा, रेरा सिर्फ और सिर्फ इनका एक टूल था, एक एडवर्टाइजमेंट टूल था, जिसको दिखा कि इन्होंने प्रॉपर्टी बेचा है। मेरे साथ ऐसा हुआ है।